आदिवासी मादा लोगों का फुटबॉल के ऊपर, खेल के ऊपर एक बहुत अलग सा जुनून था। लेकिन प्रॉब्लम ये होता था कि यहाँ पर जो लड़की लोग हैं, जिन लोगों का कम उम्र में शादी हो जाता था, शादी होने के बाद ये लोग जो मादर है वो खेल नहीं सकता, वो घर का काम करना पड़ता है, बाहर का काम करना पड़ता है, डेली लेबर का काम करना पड़ता था। इसीलिए कहीं ना कहीं उनका जो सपना था वो एक तरफ अंधकार में जा रहा था। और बहुत सारे स्किलफुल लड़की था, जिन लोगों का कम उम्र में शादी हो रहा था, उसका स्किल भी लॉस हो रहा था। जो छोटा लड़की को जब हम सिखाते थे तो थोड़ा जब वो बड़ा होता था, एडोलेसेंस में जाता था, तो फिर वो लड़का लोगों के साथ खेल नहीं सकता। छोटा लड़की और लड़का एक साथ खेल सकता है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होने के बाद एक साथ वो लोग खेल नहीं सकता। अगर कोई एक साथ खेलता था तो लोग उसे ताना मारते थे, उसके बारे में भला बुरा कहते थे। और जब मादास लोग खेल में आगे आते गए तब क्या हुआ, जो लड़की लोग पहले एडोलेसेंस में जाने के बाद उनको सहारा नहीं मिलता था, वो किसके साथ खेले, अभी क्या हुआ, वो उसका मम्मी के साथ खेल रहा है, अभी वो उसका नानी के साथ खेल रहा है, उसका चाची के साथ खेल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हर लोग एक साथ जुड़ते गए और एक बहुत बड़ा टीम बन गया। ফুটবল খেলি আমাদের নীলপুরে একটা টিম আছে, তার সাথে কোচও আছে। এখানে আমাদের রাস্তার মাস্টার আমাদেরকে বল দিয়েছে, জার্সি দিয়েছে, তার কারণে আমরা আরো ভালো খেলতে পারি। আমরা বাইরে বাইরে জায়গায়ও খেলতে গিয়েছি, অনেক প্রাইজও নিয়ে এসেছি। আমরা আগামী দিনে চাই আমাদের দেশের হয়ে খেলতে, এবং আমরা একাই নয়, তার সাথে আমার মা কাকিমা সবাই খেলে, তার জন্য আমাদের অনেক উৎসাহ লাগে। একসাথে আমরা খেলি, चाहे हमारे। हम लोग दो टाइम कोचिंग देते हैं, सुबह में और शाम को। शाम को कोचिंग देने का एक ही मतलब है, सुबह में जो मादर्स डेली लेबर के तौर पर काम पर चले जाते हैं तो उनको सुबह में फुर्सत नहीं मिलता, वो शाम को जब काम से घर आते हैं तो पहले फील्ड पर जाते हैं, खेलते हैं, उसके बाद घर जाते हैं, स्नान करते, उसके बाद अपना काम करते हैं। तो जब मादर्स लोग जुड़ते गए तब एक तरफ खेल के बारे में जैसे उन लोगों को उत्साह बढ़ा, तब उन लोगों को हम खेल के साथ साथ उन लोगों को समझाया कि पढ़ना कितना जरूरी है। और एक साथ जब मादा लड़की और उसका मादर खेल सकता है तो एक साथ पढ़ क्यों नहीं सकता, तो वहाँ से ही वो लोग एक साथ खेल भी सकता है, एक साथ पढ़ भी सकता है।